नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मस्ट विजिट प्लेसेस पे। आज हम आपको खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए ले जाएंगे। आपको बताएंगे खाटू श्याम जी के मंदिर का इतिहास और उससे जुड़ी हुई रोचक कहानी। और अगर आप यहाँ की यात्रा प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हारे के सहारे खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गाँव में है। यहाँ की जयपुर से दूरी सिर्फ 81 किलोमीटर है। खाटू पहुंचने की बात करी जाए तो यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन रिंगस है। यहाँ से खाटू श्याम मंदिर की दूरी सिर्फ 17 किलोमीटर है। अगर आपके शहर से रिंगस के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आपको अपनी ट्रेन जर्नी वाया जयपुर प्लान करनी होगी। जयपुर से रिंगस के लिए दिन के हर वक्त ट्रेन अवेलेबल है, जो कि आपको 1 घंटे में रिंगस रेलवे स्टेशन पहुंचा देंगी। इसके अलावा आपको जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड से खाटू श्याम जाने के लिए बस भी मिल जाएगी। अगर बात करें यहाँ रुकने की तो खाटू श्याम मंदिर के पास ही बहुत सारी धर्मशालाएं हैं। आपको यहाँ 500 रुपये से 1000 रुपये तक रूम मिल जाएंगे। अगर आप प्राइवेट होटल में रुकना चाहते हैं तो आपको 1000 से 2000 के बीच में एक अच्छा रूम मिल जाएगा। रिंगस रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको रिंगस रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद श्याम बाबा के मंदिर जाना होगा। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के दर्शन किए बिना आपकी खाटू श्याम की यात्रा पूरी नहीं होगी। दर्शन के बाद आपको खाटू की यात्रा शुरू करनी होगी। खाटू पहुंचने के लिए आपको रिंगस रेलवे स्टेशन के बाहर से ही राजस्थान रोड ट्रांसपोर्ट की बस या प्राइवेट जीप मिल जाएगी, जो कि आपको 30 से 40 रुपए में खाटू पहुंचा देगी। खाटू में हर दिन भारत के कोने कोने से लाखों भक्तों का जमावड़ा लगता है। यहाँ फागुन माह में 5 दिन का विशाल मेला लगता है। उस वक्त रिंगस में श्याम जी बाबा के दर्शन करने के बाद पैदल नंगे पैर खाटू आने वाले भक्तों का तांता लगा रहता है। हारे के सहारे खाटू श्याम जी बाबा के दर्शन के लिए जाने से पहले हमको श्याम कुंड में स्नान करना है। ऐसा माना जाता है कि इसी कुंड में श्याम जी बाबा खाटू में प्रकट हुए थे, और यहाँ स्नान करने से भक्तों के सारे पापों का नाश हो जाता है। यहाँ लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग कुंड है। श्याम कुंड पर ही प्राचीन हनुमान मंदिर और गायत्री माता का मंदिर भी है। आप स्नान करने के बाद इन मंदिरों के दर्शन जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने को। दर्शन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ खाटू श्याम जी की कहानी। श्री श्याम जी बाबा की अपूर्व कहानी महाभारत से आरंभ होती है। वे पहले बर्बरिक के नाम से जाने जाते थे। वे गदाधारी भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरिक ने नवदुर्गा की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और 3 बाण प्राप्त किए, जो कि शत्रु का वध करके उनके पास वापस आ सकते थे और उन्हें 3 लोकों में विजयी बनाने में समर्थ थे। महाभारत के युद्ध का समाचार जब बर्बरिक को प्राप्त हुआ तो उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया कि जो भी पक्ष युद्ध में हार रहा होगा वो उसका साथ देंगे, और लड़ाई को चल दिए। ये बात जब भगवान कृष्ण को पता चली तो वो चिंतित हो गए, क्योंकि भगवान कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की निश्चित है, और इसी कारण अगर बर्बरिक ने उनका साथ दिया तो परिणाम गलत पक्ष में चला जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और वीर बर्बरिक से उनका शीश दान में मांग लिया। वीर बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण को दान स्वरूप अपना शीश दे दिया, इसी वजह से वे शीश के दानी कहलाए। श्री कृष्ण वीर बर्बरिक के महान बलिदान से बहुत प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम के नाम से जाने जाओगे और अपने हर हारे हुए भक्त को जीत का रास्ता दिखाओगे। उनका शीश खाटू नगर में दफनाया गया, इसलिए उन्हें खाटू श्याम जी बाबा कहा जाता है। प्रत्येक एकादशी और छुट्टी वाले दिन यहाँ बहुत भीड़ होती है। मंदिर में दर्शन का समय आप अपनी स्क्रीन पर देख लो। आपको दर्शन की लाइन में 2 से 3 घंटे का वक्त लग सकता है। लाइन में लगें और मन में बाबा खाटू श्याम और भगवान कृष्ण की जय ऐसा जाप करते रहें। गर्भगृह में पहुंचकर भगवान खाटू श्याम के शीश के दर्शन करें और अपने मन की मुराद मांगें। बाबा हारे के सहारे लोगों की मदद जरूर करते हैं। यदि आप सच्चे मन और प्रेम भाव से भगवान खाटू श्याम बाबा की पूजा करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो दोस्तों, आपकी खाटू श्याम यात्रा यहाँ पूर्ण हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल मस्ट विजिट प्लेसेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।